नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम खबर को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कमलनाथ के भाषण की एक बात आपको सुनवाता हूं, सुनिए। कहते मैं किसान का बेटा हूं, कभी कहते मैं मामा हूं। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये। और सुना आपने कमलनाथ क्या चाहते हैं। कमलनाथ इन दिनों पूरे तेवर में हैं और सीधे शिवराज को निशाने पर ले रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर उन्होंने क्या कहा, आपने सुना जो बात मैंने आपको सुनवाई, उसमें उन्होंने कहा कि बंबई चले जाएं शिवराज सिंह चौहान, एक्टिंग अच्छी करते हैं, दिली ख्वाहिश है कि मध्यप्रदेश का नाम रोशन करें शिवराज सिंह चौहान मुंबई जाकर। और ये बड़ी बात भी कह दी कि शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक सब शर्मा जाएं शिवराज सिंह की एक्टिंग के सामने, इतनी कमाल एक्टिंग करते हैं शिवराज सिंह चौहान। ये बात कमलनाथ ने कही। ये स्थिति क्यों बनी, इसको हमें समझना होगा। सियासत में स्थिति इसलिए बनी कि जैसे ही तस्वीर सामने आई थी कि मंच पर घुटने टेक दिए शिवराज सिंह चौहान ने, एक मसला कांग्रेस के पास आ गया कि शिवराज सिंह ने अब चुनाव से पहले घुटने टेक दिए हैं। इसके पहले भी जब शिवराज मंच पर कमलनाथ को घेरते हैं वो भावुक हो जाते हैं, वो भी तंज कसते हैं और बड़े अंदाज जो उनका है उस अंदाज में वो कमलनाथ पर पलटवार करते हैं और सीधे कमलनाथ को निशाने पर लेते हैं। और वो अंदाज जो शिवराज सिंह चौहान का होता है वो थोड़ा सा अंदाज जो है उस अंदाज में व्यंग भी होता है, उस अंदाज में तंज भी होता है। कमलनाथ अब इसका जवाब देने की तैयारी में थे, तो कमलनाथ ने इस मंच पर, ये सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की सभा थी जहां पर जैसी नगर में, कमलनाथ ने सीधे निशाने पर लिया शिवराज को और जनता के बीच में ये संदेश दे दिया कि शिवराज जो हैं वो बहुत बड़े अभिनेता हैं और वो अभिनय करते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में थे, ग्रामीण जनता के बीच में उनको ये बताना था कि शिवराज सिंह चौहान, चूंकि किसानों से भरी सभा थी, किसानों से इलाके से आए थे सभा को सुनने के लिए, किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी बात रखते हैं कि उनका किसानों से बड़ा कोई उत्याशी नहीं, और वो कह कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी पर भी सवाल उठते हैं। तो एक तीर से कमलनाथ ने दो निशाने लगा लिए, ये संदेश भी दे दिया कि मंच पर जो कुछ भी उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वो कुछ और है नहीं, वो एक अभिनय है। और ये संदेश भी दे दिया क्योंकि शिवराज ने पलटवार करते हुए कमलनाथ से कहा था कि नारियल रख के जेब में घूमता हूँ, शैंपेन की बोतल रख के नहीं घूमता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जनता मेरी भगवान है, मैं चाहे घुटने टेकूँ चाहे मैं जो कुछ भी करूँ। तो ये सियासत है, ये सियासत में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन इस बयान ने एक जरूर एक कहना चाहिए कि सियासत में एक हलचल ला दी कि कमलनाथ अभी लगातार आक्रामक अंदाज में कह रहे थे, आज कमलनाथ भी हल्के मूड में दिखाई दिए और उस हल्के मूड में उन्होंने बड़े निशाने लेते हुए कह दिया कि शिवराज जी आप मुंबई चले जाओ। तो कमलनाथ की अब ये देखने वाली बात है कि ये इच्छा कैसे पूरी होती है, कमलनाथ भेजेंगे शिवराज को मुंबई, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक पलटवार करते हुए शिवराज को जवाब जरूर दे दिया एक्टर करके कमलनाथ ने। लेकिन आप जरूर देखते रहिए एमपी तक।